हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा स्टोर एंड मेकओवर्स। और आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ फ्रॉम द ब्रांड ओरिफ्लेम। और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल है समर्स के लिए। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स क्विकली गेट इन टू द रिव्यू। सो ओरिफ्लेम का जो फीटअप रेंज है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने लॉन्च की थी, लाइक अपना फीट स्क्रब था, फीट क्रीम थी और ये फीट स्प्रे था। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसे काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। सो आई थिंक ये ऑलमोस्ट इतना यूज़ हो गया, अभी इतना ही बचा हुआ है। सो अब मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि इसकी यूजेस क्या क्या है और ये किन के लिए बेनिफिशियल होगा और किन को किन लोगों को ज़रूरत नहीं है कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। सो गाइज, ये जो फ्लेवर है इनका मैंगो इफ्यूज़न फ्लेवर है और ये फूट स्प्रे है, ओके। और इसमें आपको 150 ml की क्वांटिटी मिलेगी और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये लिमिटेड एडिशन है, यानी कि जब तक ये मैन्युफैक्चर हो रहा है तब तक हो रहा है, ये कुछ टाइम में डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। और बाकी मैं इसकी प्राइसिंग की बात कर लेती हूँ, तो यहाँ पे प्राइस तो नहीं मेंशन है, बट आई कैन क्लियरली रिकॉल दैट ये 499 या 399 समथिंग का था, बट ऑफर्स चलते रहते हैं तो ये आपको 299 का समथिंग पड़ जाएगा। सो अब ये किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, तो ये उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिन्हें अपने फीट को रिफ़्रेश रखने की बहुत ज़्यादा आदत है, लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा थका थका महसूस होता है और वो कुछ इस तरीके का फूट स्प्रे लाइक जो मेडिकल केयर से रिलेटेड होता है वैसा कुछ वो यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली उन्हें रिफ़्रेशिंग अगर अपने फीट्स को रखना है आफ्टर बात या मिड टाइम में कभी भी, तो आप इस फूट स्प्रे को आप परचेज कर सकते हैं। ये इस सेम पैकेजिंग में आता है, इसमें कोई भी छोटा इसका नहीं आएगा। सो आपको इतना बड़ी ये बॉटल आपको मिलेगी जब भी आप इसको परचेज करेंगे। अदर देन दिस, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बैड स्मेल, बैड ओडर आती है उनके फीट से, तो उनके लिए ये है, या फिर आप अपने फुटवेयर में भी इसको डाल सकते हैं, तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग, कामिंग, स्मूदिंग सी स्मेल आएगी। एंड अदर देन आप अपने फीट पे भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी स्मेल की। सो मैं आपको बता दूँ कि इसकी स्मेल जो है वो मैंगो की है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल है। जिन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल नहीं अच्छी लगती है तो उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। सो जैसा कि मेरा हॉनेस्ट रिव्यू है कि जैसा भी इस पे लिमिटेड एडिशन लिखा है तो ये लिमिटेड पीपल के लिए भी है, लाइक जिन्हें भी ओडर का प्रॉब्लम है या जिन्हें भी रिफ़्रेश रखना है अपने फीट को। बट मैंने इसे बहुत पहले परचेज़ किया था, सो अब समर्स आ गई है, सो मैं रिफ़्रेशमेंट के लिए अपने फीट के लिए इसको डेली आफ्टर बाथ लोशन अप्लाई करने के बाद अपने फीट पर मैं इसको अप्लाई करती हूँ। एंड गाइज, मैं एक बात इसके बारे में और आपको बताना चाहूँगी कि लाइक जब आप इसे स्प्रे करते हैं, अभी तो फिलहाल मैं अपने हैंड पे करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाटर रेसिस्टेंट है और बहुत ही आराम से ये बहुत ही कूलिंग सेंसेशन तो प्रोवाइड करता है, साथ ही ये अपने आप ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ड्राई आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसे मसाज या रब नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट उनके लिए है जिनको ओडर की प्रॉब्लम है और जो अपने फूटवेयर में भी रिफ्रेशमेंट रखना चाहते हैं कि बहुत ही कामिंग सा, फ्रेश सा फील हो, तो आप उसमें भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको बैड ओडर की प्रॉब्लम है तो आप डिओड्रेंट्स वगैरह ना यूज़ करके, अल्कोहलिक चीज़ें ना यूज़ करके आप इस फूट स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस, जिनको रिफ्रेश रखना अच्छा लगता है अपने फीट्स को आफ्टर शावर, वो यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। एंड please like, share and comment. Until then, bye-bye.